हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का थैंक यू इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे शेली सीजन 2। शेली एक मिनी हॉरर सीरीज है जो आपको क्रिप टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सीजन 1 में हमने देखा कि शेली को मारकर उसके मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन 20 साल बाद शेली को उसकी फ्रेंड सेलिन ने रिजरेक्ट किया एक शैतानी ब्रेसलेट की मदद से, और शेली ने अपने कातिलों को मौत के घाट उतार दिया। तो गाइस, सीजन 2 में शेली के स्कूल एवोन मेनर के और भी भद्दे राज खुलने वाले हैं, और शेली इस बार अपना रिवेंज स्कूल के स्टाफ से लेने वाली है। सीजन 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसे सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ। सेलिन और शेली एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थी, लेकिन तभी शेली सेलिन का हाथ अपने हॉकी स्टिक से काट देती है, और इसी हाथ में वो जादुई ब्रेसलेट भी था। शेली ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जब शेली को लटकाने की तैयारी की जा रही थी तब तक भी शेली जिंदा थी, लेकिन हाइडी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया, और उसी वक्त सेलिन भी वहीं पर थी। अगर वो चाहती तो शेली को बचा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत डर गई थी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और इसीलिए शेली ने सेलिन का हाथ काट लिया और वहां से चली गई। इधर स्कूल में 3 मर्डर्स की बात पूरे न्यूज चैनल्स में फैल गई। यहाँ के प्रिंसिपल हाइगेट को एक कॉल आता है। ये कॉल एवोन मेनर की हेड मिस्ट्रेस मिस सेलेमोन ने किया था। वो उसे कोई चीज ठिकाने लगाने को बोल रही थी। और हम शेली का पास्ट देखते हैं। शेली का स्कूल एक गर्ल स्कूल था जहाँ शेली किसी से बातें नहीं करती थी, लेकिन पास में हाइगेट का एक बॉयज स्कूल भी था जिसमें शेली एक लड़के ओलिवर से मिली। ओलिवर के पास हमेशा एक योयो होता था, और दोनों देखते ही देखते फ्रेंड्स और फिर लवर्स भी बन गए। लेकिन शेली की खुशियों को किसी की नजर लग गई, क्योंकि ओलिवर कुछ ही दिनों बाद स्कूल से गायब हो गया और शेली उसकी पूछताछ करने लगी। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां प्रिंसिपल हाइगेट एक आदमी को अपने ऑफिस में बुलाता है। इसका नाम बेकर था। हाइगेट उसे कहता है कि इससे पहले पुलिस उसे ढूंढे तुम उसे ठिकाने लगा दो। यहां पर एक लाश की बात हो रही थी, और बेकर पास के एक केबिन में जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ का लॉक पहले से ही किसी ने तोड़ा हुआ है। बेकर अंदर जाता है तो पाता है किसी ने उस लाश को भी पहले से ही खोदकर निकाल लिया है, और ये लाश और किसी की नहीं ओलिवर की थी। बेकर कुछ समझ पाए उससे पहले ही शेली उसके पीठ में अपना वेपन हॉकी स्टिक घुसा देती है। शेली सेलिन के हाथ से वही शैतानी ब्रेसलेट निकालती है। इसके बाद शेली वो ब्रेसलेट बेकर के जरिए ओलिवर के हाथ पर रख पाती है, और फिर बेकर का गला काट उसे खत्म कर देती है। फिर वो ओलिवर का हाथ छूती है जिससे वो ब्रेसलेट चमकने लगता है, और ओलिवर की उंगलियां भी हिलने लगती हैं। अब हम ओलिवर का पास्ट देखते हैं कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया था। ओलिवर का एटीट्यूड स्कूल के स्टाफ के साथ ठीक नहीं रहता था। एक दिन प्रिंसिपल ने गुस्से में उसे एक केमिकल्स के रूम में धक्का मार बंद कर दिया, और धक्का लगने से वो कुछ एसिड्स पर जा गिरा, और उन एसिड्स की वजह से ओलिवर बुरी तरह जल गया और उसकी मौत हो गई। और ये सब हाईगेट के सामने ही हुआ था, और इस हादसे को मिस सेलेमोन ने पूरी तरह छुपा कर ओलिवर को गुमशुदा घोषित कर दिया। अब प्रिंसिपल हाईगेट ओलिवर के कुछ पेपर्स को एक श्रेडर में डालता है, और तभी उसे अपने ऑफिस के बाहर एक योयो का साउंड आता है, और फिर श्रेडर भी बंद हो जाता है। हाइगेट वापस उसके पास जाता है तो उसके पीछे से ओलिवर निकल कर आता है। प्रिंसिपल उसे देख डर जाता है और उसे पहचान भी लेता है। प्रिंसिपल ओलिवर से कहता है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, और वो कन्फेस भी करना चाहता था, लेकिन मिस सेलेमोन ने उसे ऐसा करने से रोक लिया था। और ओलिवर अपना खीलो वाला योयो प्रिंसिपल के मुंह में घुसा देता है और वापस खींच लेता है, और प्रिंसिपल भी मारा जाता है। ओलिवर और शेली एक क्यूट कपल की तरह पोज देते हैं। अब बारी थी मिस सेलेमोन की। इसके लिए अपने स्कूल की रेपुटेशन से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसीलिए उसने ओलिवर की लाश को गायब करवाया था। लेकिन फिर शेली उसके बारे में पूछताछ करने लगी थी, तो मिस सेलेमोन ने हाइडी को लालच देकर शेली को ठिकाने लगाने को कहा था।
जिसका मतलब शेली के साथ सीजन वन में जो भी हुआ वो हाइडी की एक सोची समझी साजिश थी। अब मिस सेलेमन को अपने घर के बाहर एक कार दिखती है। जब ये उस कार के पास जाती है तो देखती है उसमें हाईगेट की लाश पड़ी थी, जिसे देख ये डर जाती है और अपने घर आकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है। और फिर इसके पीछे शेली और ओलिवर प्रकट होते हैं और ये उन दोनों को पहचान भी लेती है। ओलिवर इसे अपने योयो से घुटनों पर गिरा देता है। वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने गलती की है, अब अनंत काल के लिए तुम्हें मॉन्स्टर बने रहने का दर्द सहना होगा। और शेली अपनी हॉकी स्टिक से उसकी गर्दन उड़ा देती है। अब शेली और ओलिवर ने अपने कातिलों से बदला ले लिया था। अब हम देखते हैं इस सीजन का लास्ट एपिसोड। इसमें हम शेली की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी मोम और एक छोटी बहन लूसी है। लूसी कहीं बाहर से आई थी और उसकी मोम स्कूल के स्टाफ के खून की न्यूज देख रही थी। लूसी और उसकी मोम आज भी शेली को याद किया करते हैं। कुछ देर बाद इनके डोर पर कोई आता है, ये एक स्ट्रेंजर था। ये स्ट्रेंजर पूछता है कि क्या ये लूसी कार्टर का घर है, जिस पर लूसी हाँ कहती है। और ये कंफर्म कर वो स्ट्रेंजर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। लूसी को ये अजीब लगता है। इसके बाद रात में लूसी की मोम चिल्लाती है कि उसने शेली को देखा और शेली घर आ चुकी है। लूसी हाल में चेक करने जाती है और शेली उसके सामने खड़ी थी। अब लूसी अपनी सिस्टर को देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन शेली लूसी पर हमला कर देती है। लूसी उससे लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और शेली लूसी की पीठ पर हॉकी स्टिक से कई बार बेरहमी से स्टेप करती है और उसे मरने के लिए छोड़ उसकी मोम की तरफ बढ़ती है। और उसकी मोम के साथ भी शेली यही करती है। इसके बाद वो उस पूरे घर को भी आग लगा कर जला देती है। शेली के पास बही स्ट्रेंजर आकर खड़ा होता है और वो उसे बेल्डन भी कहता है। और यहाँ रिवील होता है कि ये कांड शेली नहीं सेलिन ने किया है, जिसका हाथ शेली काट के ले गई थी। ऐसा कर सेलिन शेली को ललकार रही थी और ये स्ट्रेंजर वही था जिससे सेलिन ने वो ब्रेसलेट लिया था। तो गाइज, इस सीजन में हमने देखा कि कैसे स्कूल की फैकल्टी ने ओलिवर और शेली को मार दिया था। 20 साल बाद सेलिन ने शेली को और फिर शेली ने ओलिवर को जिंदा किया और फिर दोनों ने अपने कातिलों से बदला लिया। सेलिन ने शेली की फैमिली को मारा है, जिसके लिए शेली अब सेलिन के पीछे जरूर आएगी, लेकिन इस स्ट्रेंजर और सेलिन के पास शेली को हराने का कोई उपाय जरूर होगा, नहीं तो ये दोनों इतनी बड़ी गलती नहीं करते। अब वो क्या है ये हमें पता चलेगा शेली के सीजन 3 में, जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि क्रिप टीवी के सारे शोज आपस में कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है इनके पास कोई और मॉन्स्टर हो जिसे ये शेली से लड़ाना चाहते हो। तो गाइज, आपको ये मॉन्स्टर कपल कैसा लगा? शेली बाकी क्रिप टीवी मॉन्स्टर के हिसाब से काफी सेल्फ अवेयर है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जिन्होंने उसका कुछ बिगाड़ा हो। और शेली और ओलिवर के वेपन्स जो हॉकी स्टिक और योयो है, दोनों ही मुझे काफी पसंद आए हैं, इसीलिए शेली मेरी फेवरेट मॉन्स्टर है। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.